नमस्कार, नीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज पकौड़ा। मिक्स वेज पकौड़ा को बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और कुछ सब्जियों को बारीक काट करके लिया है। इन्हें अच्छी तरह से धो करके, और उसके बाद में पालक ली है मैंने बारीक काट करके, पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, शिमला मिर्ची, फूल गोभी और मटर, और एक छोटा आलू है, इसको मैंने पानी में काट करके रखा है बारीक बारीक। दो हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, पानी लगेगा मुझे थोड़ा सा, और जीरा है आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन, हल्दी, सौंफ और खड़ा धनिया दोनों मिला करके है आधा चम्मच, और एक पिंच से थोड़ी कम हींग और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर है आधा चम्मच। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें मैं बेसन को डाल देती हूँ। बेसन को थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके मैं घोल लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बेसन को घोल लिया है, अब इसको मैं कुछ देर तक फेंट लूँगी इसी तरह से। बेसन के घोल को मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लिया है, इस तरीके से बन करके तैयार हुआ है। अब मैं इसमें सभी सब्जियां डाल देती हूँ। बारीक कटे आलू भी डाल देती हूँ, पानी में से निकाल लिए हैं मैंने। सभी मसाले डाल देती हूँ। हरी मिर्ची और हरा धनिया, सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसमें अपनी मनपसंद की और भी सब्जियाँ डाली जा सकती है, या जो सब्जी आपको नहीं पसंद हो उसे हटाया जा सकता है। मैंने सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और ये मिक्स वेज पकौड़े के लिए बैटर बन करके तैयार है। मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, अब हम पकौड़े बनाएंगे। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें पकौड़े डाल देती हूँ तलने के लिए। पकौड़े को हमें पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कर करके तैयार करना है। पकौड़े
पकौड़े अच्छे गोल्डन ब्राउन कर करके तैयार हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और इसी प्रकार से बाकी के बना करके तैयार कर लूँगी। मैंने सभी मिक्स वेज पकौड़े बना करके तैयार कर लिए हैं, तल करके तैयार कर लिए हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। ये पकौड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसे अपनी मनपसंद चटनी सॉस के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप भी इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।